आज जिस किताब के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत होगी उसके कुछ पंक्तियों को पढ़ के सुनाएंगे। ये किताब इटली के कुछ बच्चों ने मिलके लिखा, 8 बच्चे थे और ये ऐसे बच्चे थे जो स्कूल में फेल हुए और फेल होके फिर एक दूसरे स्कूल में भर्ती होके उन्होंने अपने गुरुजी के नाम पत्र लिखा। इस किताब का अंग्रेजी में नाम था लेटर टू अ टीचर। और इसकी बात ये पता नहीं हम में से कितने लोगों ने कभी कल्पना की होगी कि हम हमारे गुरुजी के नाम पत्र लिखें, कभी खुशी में, कभी दुख में, कभी बहुत गंभीर तरीके से कहीं ना कहीं हमें चोट पहुंची उस समय। लेकिन ये बच्चे, ये एक बच्चे का नहीं, 8 बच्चों ने मिलके लिखा और केवल बैठ के एक दिन में पत्र नहीं लिखा, एक साल भर का अपना एक प्रोजेक्ट बनाया कि गुरुजी को वो सारी बातें कहें जो उनके दिमाग में चल रही थी, जो विश्लेषण चल रहा था कि हम क्यों फेल हुए, दूसरे क्यों आगे बढ़ते हैं, स्कूल क्या करता है भेदभाव एक प्रकार के बच्चों और दूसरे प्रकार के बच्चों के बीच में। तो ये दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हुआ है किताब, बहुत सटीक सरल भाषा में लिखी गई है उन बच्चों के द्वारा, लेकिन इसमें इतने सारे चीजें हैं जो वो दुनिया को बताना चाहते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था, वो चाहे इटली की बारबियाना हो या भारत के किसी गांव के हो, आप अपने गांव का नाम ले लो, कहानी एक जैसी है। तो थोड़ा हम सुने, शुरू ऐसे ही होता है अंग्रेजी में, डियर मिस, प्रिय गुरुजी, आप मुझे या मेरे नाम को भूल गई होंगे, आपने मेरे जैसे न जाने कितने को फेल किया, परंतु मैं अक्सर आपको और दूसरी अध्यापिकाओं को, उस संस्था को जिसे आप स्कूल के नाम से पुकारते हैं, और उन लड़कों को जिन्हें आप फेल करती हैं, उन्हें याद करता हूं। आप फेल करके हमें, हम लोगों को सीधे खेतों में या फैक्ट्रियों में धकेल कर हमें बिल्कुल भूल जाती हैं। हमारा संकोच, 2 वर्ष पहले जब मैं माध्यमिक कक्षा में था तब आपको देखकर मुझे बहुत डर लगता था। सच पूछिए तो मैं शुरू से ही थोड़ा झेंपू किस्म का हूं। जब मैं बहुत छोटा था तो मैं अपनी नजर सदा जमीन की ओर रखता था। मैं दीवारों के किनारे सटा हुआ चलता था जिससे किसी की निगाह मेरे ऊपर ना पड़े। पहले मैं ये सोचता था कि यह मेरी या मेरे परिवार की किसी प्रकार की बीमारी है। मेरी माँ भी इस प्रकार की है कि तार देखते ही घबरा जाती है। मेरे पिता सब कुछ सुनते हैं, समझते हैं, पर बोलते कम है। बाद में मैंने सोचा कि झेपना शायद हमारी पहाड़ी समुदाय का रोग है। मैदानी इलाकों के किसानों में कहीं अधिक आत्मविश्वास होता है, शहर के मजदूरों की तो बात ही छोड़िए। ध्यान में देखने पर अब मुझे पता चलता कि सारी महत्वपूर्ण नौकरियों तथा संसद की सारी सीटों बड़े घर के लड़कों को मिलती है, मजदूर देखते ही रह जाता। अतः मजदूर भी हम लोगों की तरह है। गरीब लोगों का संकोच बहुत प्राचीन है और मैं उसके रहस्य को समझा नहीं सकता, यद्यपि मैं स्वयं गरीबी से घिरा हुआ हूं। शायद यह न तो किसी प्रकार की कायरता है और ना किसी प्रकार की वीरता, यह केवल आत्मविमान की कमी है। पहाड़ के लोग, सबके लिए उपलब्ध है स्कूल। प्रथम 5 वर्षों में राज्य द्वारा मुझे निम्न कोटि की शिक्षा दी गई। एक कमरे में 5 कक्षाएं लगती थी। राज्य से प्राप्त मेरी शिक्षा का यह 5वां भाग था। यही प्रणाली अमेरिका में भी प्रयोग की जाती है, जिसके द्वारा गोरे और कालों का भेद उत्पन्न किया जाता है शुरू से ही,
गरीबों के लिए घटिया किस्म के स्कूलें को उपलब्ध कराना, अनिवार्य स्कूल। इन 5 वर्षों की प्राथमिक शिक्षा के बाद मुझे 3 वर्ष की और शिक्षा का अधिकार था। सच तो यह है कि संविधान के अनुसार यह शिक्षा प्राप्त करना मेरे लिए बाध्यकारी था, परंतु मेरे गांव बाकियों में अभी तक कोई माध्यमिक स्कूल ही नहीं था। बोरगो जाना काफी कठिन था। कुछ लोगों ने वहां जाने का प्रयास किया था और उसके लिए काफी धन भी खर्च किया था, परंतु उन्हें फेल करके कुत्तों की तरह दुत्कार दिया गया था। मेरे परिवार को मेरी अध्यापक ने कहा कि मेरे ऊपर पैसा खर्च करना व्यर्थ है, इसे तो खेत में काम करने के लिए भेज दो, यह पढ़ नहीं सकता। मेरे पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे सोच रहे थे यदि हम बारबियाना में रहते तो यह अवश्य पढ़ाई में सफलता प्राप्त करता। बारबियाना में सभी लड़के स्कूल जाते हैं। यह पादरी का स्कूल था। प्रातः तड़के से अंधेरे होने तक, चाहे गर्मी हो या जाड़ा, वहां कोई लड़का ऐसा नहीं था जो पढ़ाई के लिए अयोग्य समझा गया था। परंतु हम दूसरे गांव में रहते थे जो बारबियाना से काफी दूर था। मेरे पिता तो सारी आशाएं छोड़ चुके थे, पर तभी उन्हें सान भार्टिनो के एक लड़के का पता चला जो बारबियाना जाने वाला था। मेरे पिता ने हिम्मत दिखाई और वहां जाकर सब बातें पता लगाने का निश्चय किया। और इससे इसकी कहानी चालू होती है कि उसके पिताजी जाके उसके लिए एक ऐसा स्कूल ढूंढते हैं जहां कोई बच्चा अयोग्य नहीं। इसी किताब में मैंने पहली बार पढ़ा कि हम स्कूल ऐसे चलाते हैं जैसे मानो कोई अस्पताल बाहर नोटिस बोर्ड लगा दे कि इस अस्पताल में केवल स्वस्थ लोग आए। स्कूल है उन लोगों के लिए जिनको पढ़ने की जरूरत है, उनके लिए नहीं जो पहले से ही घर में सब कुछ पढ़ के योग्य बन के बहुत होशियारी दिखा के उनको ही भर्ती दो। तो इस किस्म के इतनी बड़ी बड़ी बातें इस किताब के अंदर लिखी हैं। बहुत साल बहुत सारे बच्चों के लिए, ये कहते हैं कि हमारे अमीर शहरों में अजीबोगरीब बात कि ये पहाड़ी है बच्चा, पहाड़ों में जरूर इनका संकोच पैदा होता है लेकिन पहाड़ पर चढ़ते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, भागते हैं। और वो कहता है कि हम तो देखते हैं कि लोग शहरों में पैसे देते हैं ऊपर चढ़ के, दिन भर तो खाना खाएंगे, लिफ्ट में जाएंगे, ऊपर चढ़ेंगे और फिर शाम को जाके किसी ना किसी जिम में अपना पूरा कसरत करेंगे। तो वो क्या दुनिया है जो आम तौर पर जो प्रकृति हमें सिखाता है, जो चीजें हमें इंसान के रूप में सीखने को मौका देता है, भेदभाव पर इतनी सारी चीजें इस किताब में एक बच्चों की नजर से निकाल के दिखाते हैं। और वो बच्चों की नजर शायद हम बुद्धिजीवियों से ज्यादा सटीक है क्योंकि सीधा वो पहचानते हैं कि कौन भेदभाव कर रहा है, क्यों कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये स्कूल और शिक्षक, ये एक बहुत बड़ा, इसी किताब को पूरे इटली के स्टेटिस्टिकल सोसाइटी का एनुअल सबसे बड़ा अवार्ड मिला। 15 साल के बच्चे 8 मिलके एक किताब लिख रहे हैं और उनको इतना बड़ा अवार्ड क्योंकि उन्होंने पूरे इटली के शिक्षा व्यवस्था की एक विश्लेषण किया, जांच किया और उनको आंकड़ों के साथ, शब्दों के साथ, सोच के साथ जोड़ के पेश किया। और उन्होंने बताया कि स्कूल कितना जरूरी है, अच्छा स्कूल, पढ़ने वाला स्कूल, स्कूल जहां एक दूसरे की मदद हो सकती है, स्कूल जहां एक दूसरे को समझने पहचानने और समानता के साथ और एक इज्जत के साथ एक दूसरे के साथ जीने का सिखा सकते हैं, स्कूल जहां बच्चों को वास्तव में दुनिया में अपने आत्मविश्वास के साथ जाने के लिए मौका देंगे। तो बहुत तगड़ा किताब है, पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए। हमारे हर स्कूल में इसको एक टेक्स्ट के रूप में पेश करना चाहिए।